अपनी पोटली में ना डायनामिक साफ सुनिए जी, जो है अरे डाटा रखिए अपनी पोटली में ना डायनामिक साफ सुनिए जी, अरे डाटा बनाने में आप माहिर हैं सर, हमें पता है। बेरोजगारी का डाटा तो दे नहीं पाए आप आज तक, राम बाबू की बात नहीं है ये रोजगार क्रिएट कर, राम बाबू जी ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल माइक्रो प्रिंसिपल पे आप बात करिए ना, बिल्कुल बीपी यादव जी पार्टी का कार्यकर्ता बना के रोजगार दे रहे हैं ना, मैं आपके पास आऊंगी स्पीच बता दूं, बीपी यादव जी अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, एनपीए बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार करके लोग देश के बाहर भागते जा रहे हैं, ब्लैक मनी आ नहीं रही है, तो जो ये इन्होंने जो कैलकुलेट किया था ब्लैक मनी भ्रष्टाचार ये करके इतना एडिशनल पैसा ले लेंगे जी, तो कहां से जाएगा हमारे और आपके जेब से जाएगा, तो फोकस इनका ये रहेगा डायरेक्ट एसएस लगा देंगे कहीं इनडायरेक्ट वे में, बिल्कुल लेके मिश्रा जी जैसे कि लगातार आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, मैं एक और आंकड़ा आपको दे दूं, आंकड़े चैलेंज करेंगे हम, आंकड़े देंगे, आंकड़ा मैं आपको देती हूं, पानी की जरा इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे आप फैक्ट को देखिए और जो डिस्पैरिटी होती है आप उसको देखिए, किसी भी देश की जब इकोनॉमी बढ़ती है सरकार का खजाना बढ़ता है तो होना क्या चाहिए कि उसी रेशियो में जो ग्रोथ होती है मतलब पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए, खुशहाली बढ़नी चाहिए, लोगों के जेब में पैसे बढ़ने चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं, मैं इसी डिस्पैरिटी की बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं साहब आपकी जीडीपी 10% रही है अभी पिछले 5 साल में, मैं ये भी मान लेता हूं, लेकिन अब मुझे ये बताइए जीडीपी तो इतनी बढ़ रही है, सरकार का खजाना इतना भर गया है कि चौथी सबसे बड़ी हम इकोनॉमी हो गए हैं, सीना ठोक के आप लोग बोलते हैं, और वही बेरोजगारी में हम नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में, ये डिस्पैरिटी क्यों है सर, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, किसानों की दुर्दशा क्यों नहीं सुधर रही है, जब खुशहाली आती है देश ग्रो करता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो आप देख लीजिए आपको भयंकर गैप मिलेगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, राम बाबू जी अब तमाम बंद हो रहे हैं, तमाम आंकड़े आप पेश कर रहे हैं जी मिश्रा जी। एके मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि रोजगार का भी यहाँ जिक्र हो रहा है, किसानों का भी जिक्र हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य तमाम ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और चिंता का विषय भी हैं। रोजगार पर आना चाहूं क्योंकि युवा जो है खासा परेशान है, बेरोजगार है, अब छोटे से प्योन की जॉब निकलती है, हाईली क्वालिफाइड युवा वहां पहुंचता है, इतना चिंताजनक यहाँ पर पिक्चर तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है, उसके बावजूद भी सिर्फ घोषणाएं की जाती है लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है वो किसी से छिपी नहीं है। मिश्रा जी देखिए मैम थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ब्रीफ केस को हटा के इन्होंने बही खाता लाल रंग का जो ये हमारा एक ट्रेडिशनल है जो कि बड़ा शुभ माना जाता है, इसमें भी एक अशुभता इन्होंने चूक कर दी है, बही खाता पे जब तक स्वास्तिक का निशान ना हो ना तब तक वो जो है प्रजा के हित के लिए नहीं होता है, ठीक है शेर का निशान है, राष्ट्रीय चिन्ह है, अगल बगल पीछे इन्होंने पहली गलती तो वहां कर दी जो इनके इंटेंशन को बताती है। दूसरी चीज हम देखते हैं बजट को बनाने वाला जो दिमाग है उस मानसिकता की और उस आइडियोलॉजी को देखा जाए, जिन जिन चीज़ों की अपेक्षाएं हो रही हैं वो चीज़ें पहले भी रही हैं और बीजेपी के किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे बजट को आप देख लीजिए तो उसका लब्बो लवाब ये रहता है, इन्होंने निचोड़ के लिया ज़्यादा है और देने के नाम पे सबसे पहले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं कि हम उसको देंगे उन चीज़ों में देंगे जहाँ पे कि हमें आगे आने वाले चुनाव में हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है जो इन्होंने अभी इकोनॉमिक सर्वे और वे करके बोला कि हम 7% जीडीपी पे, अरे आप सर्वे कर लो 7 नहीं आप 12% दिखा दो, रोजगार का डाटा तो आप देने की हिम्मत नहीं कर पाए, पूरी मशीनरी लगा करके आप निकाल नहीं पाए, आप बजट कुछ भी दे दो रोजगार क्रिएट करना इनके बस की अब बात नहीं है, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म जो है साइकिल होती है, इतने जल्दी रोजगार नहीं क्रिएट होता है, तो बजट में होगा क्या मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले इनका टारगेट यह है कि डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना, ठीक है मैं ये एक अच्छी चीज है मैं मानता हूं, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे, ऑलरेडी जीएसटी के बाद अब टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है महीने दर महीने आप देखते जाइए, तो इनके ऊपर सबसे पहला प्रेशर है कि हम रेवेन्यू क्रिएट करें, रेवेन्यू अच्छा इनका एक टारगेट और है कि 2022 या 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इनको बनाना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो पैसों की इनको बहुत जरूरत है, अब ये करेंगे कैसे, अभी देखिए एक खबर आई थी कि 10 लाख से ज्यादा साल भर में अगर कोई बैंक से पैसा निकालेगा तो उसके ऊपर भी पैसे लगेंगे, टैक्स वगैरह कुछ कटेगा, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रेवेन्यू जनरेट ज्यादा करेंगे चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, पहली चीज। दूसरी चीज है ये देंगे तो किसको देंगे, किन सेक्टर्स को देंगे,
हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऐसे करके दे जिससे कि साई ऑफ रिलीफ जनता को लगे, जिससे कि ये बोल सके, वो भी मास्क तरीके में होता है, जैसे चुनाव के पहले किसानों के खाते में 2000-6000 रुपए भेज दिए, उससे किसानों का भला होगा। और ये अभी नहीं देंगे, बीजेपी देती है हमेशा चुनाव के पहले। इन्होंने जितना फ्री हैंड दिया है, खुले दिल से अगर कभी दिया है, तो आप ये देखिए सिर्फ चुनाव के एक साल पहले दिया हुआ है। अंतरिम बजट में इन्होंने यही किया चुनाव जीतने के लिए। ये अभी लेंगे, मैं इसीलिए बोलता हूं आप उस मानसिकता को देखिए, जो मानसिकता, जो आइडियोलॉजी ये बजट बनाएगी, उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ वगैरह होना है। अब वो पैसे कहां से आएंगे, एनपीए बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार करके लोग देश के बाहर भागते जा रहे हैं, ब्लैक मनी आ नहीं रही है। तो जो ये इन्होंने जो कैलकुलेट किया था ब्लैक मनी भ्रष्टाचार ये करके इतना एडिशनल पैसा ले लेंगे, कहां से जाएगा, हमारे और आपके जेब से जाएगा। तो फोकस इनका ये रहेगा, डायरेक्ट एसएस लगा देंगे कहीं इनडायरेक्ट वे में। बिल्कुल, लेकिन मिश्रा जी जैसे कि लगातार आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राम बाबू जी की बात नहीं है, ये रोजगार क्रिएट कर राम बाबू जी के, राम बाबू जी की बात नहीं है, ये रोजगार क्रिएट कर राम बाबू जी इसी वायदे पर आए हैं कि ये युवाओं को रोजगार देंगे जी, लेकिन इस बजट से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है जी। बिल्कुल, बीपी यादव जी पार्टी का कार्यकर्ता बना के रोजगार दे रहे हैं ना जी, आपके पास आऊंगी, स्पीच बता दूं। बीपी यादव जी, वीके मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, जैसा कि राम बाबू जी ने कहा कि तमाम वो आंकड़े बता रहे हो, खासतौर पर यूपीए सरकार से अपनी तुलना कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में हास्यास्पद हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तुलना भी क्यों कर रहे हैं, अगर जनता ने आपको चुना है क्योंकि आप यूपीए सरकार से कहीं ना कहीं उनको बेटर नजर आए हैं, तो आपकी भी तो जवाबदेही बनती है, आपको भी तो भरोसे को कायम रखना है। जब आप तुलना करेंगी तभी आप समझ पाएंगी, जब तुलनात्मक बात हो चुकी है सर, चलिए ठीक है, ठीक है सर, जनता ने तुलना करके जनता ने आपको दिया है, अगर तुलना ना की होती तो आप आज सत्ता में नहीं होते सर। सर सुनिए, आपने आंकड़ों की बात की, अब हम जरा इकोनॉमिक पैरामीटर पे बात करते हैं, बता रहा सुन लीजिए, देखिए जनता जो है, अरे डाटा रखिए अपनी पोटली में ना, डायनामिक साफ सुनिए, अरे डाटा रखिए अपनी पोटली में ना, डायनामिक साफ सुनिए, अरे डाटा रखिए अपनी पोटली में ना, डायनामिक साफ सुनिए जी। राम बाबू जी तुलना करके ही जनता ने आपको चुना है, डाटा बनाने में आप माहिर है सर, हमें पता है, डाटा बनाने में आप माहिर है सर, हमें पता है। बेरोजगारी का डाटा तो दे नहीं पाए आप आज तक, बेरोजगारी का डाटा तो दे नहीं पाए आप आज तक। राम बाबू जी आपके पास आना चाहूंगी जी, आपके पास आऊंगी लौटकर, आपके पास आऊंगी लौटकर, आप अपने तमाम आंकड़े अपने पास संभाल के रखिए, आप बोलिएगा, लेकिन वीके मिश्रा जी बताइए। देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, मैं मानता हूं सारी ग्रोथ हुई है, आपने डाटा दे दिया, सब कुछ है, जरा इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे आप फैक्ट को देखिए और जो डिस्पेरिटी होती है आप उसको देखिए। किसी भी देश की जब इकोनॉमी बढ़ती है, सरकार का खजाना बढ़ता है, तो होना क्या चाहिए कि उसी रेशियो में जो ग्रोथ होती है, मतलब पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए, खुशहाली बढ़नी चाहिए, लोगों के जेब में पैसे बढ़ने चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। मैं इसी डिस्पैरिटी की बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं साहब आपकी जीडीपी 10% रही है अभी पिछले 5 साल में, मैं ये भी मान लेता हूं, लेकिन अब मुझे ये बताइए, जीडीपी तो इतनी बढ़ रही है, सरकार का खजाना इतना भर गया है कि चौथी सबसे बड़ी हम इकोनॉमी हो गए हैं, सीना ठोक के आप लोग बोलते हैं, और वही बेरोजगारी में हम नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में, ये डिस्पैरिटी क्यों है सर? लोगों की पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है? किसानों की दुर्दशा क्यों नहीं सुधर रही है? जब खुशहाली आती है देश ग्रो करता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो आप देख लीजिए, आपको भयंकर गैप मिलेगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, तमाम आंकड़े आप पेश कर रहे हैं जी मिश्रा जी, राम बाबू जी तमाम आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, आंकड़ों के जरिए तुलना भी कर रहे हैं, आप बेरोजगारी का आंकड़ा क्यों नहीं पेश करते हैं? पिछले 4 दशकों के इतिहास में सबसे नीचे बेरोजगारी की दर, सबसे ज्यादा तरीका बदल दिया गया। मैं देखिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 587 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिला, रोजगार नहीं मिला, ट्रेनिंग मिलना दूसरी चीज होती है, रोजगार मिलना दूसरी चीज है, से अधिक सारे इंजीनियरिंग के लड़के प्रशिक्षित होकर बाहर आ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश के ही लड़के पूरे इंडिया के साले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। आप उसको, मैं खाली प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से जो प्रशिक्षण युवाओं को दिया गया उसमें 12 लाख को रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप किस चश्मे से आप लोग देख रहे हैं?
आप जनता से पूछिए, जनता ने अपना जवाब दिया है मोदी सरकार को। आपका चुनाव जीतना दूसरी चीज होती है, इसके लिए बाहरी पूछ रहे हैं। जिस हिसाब से आप चुनाव मैनेज कर रहे हैं, जिस हिसाब से इकोनॉमी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मिश्रा जी आपके पास है। राम बाबू जी सुनिए, हम जनता के बीच ही रहते हैं, हम जर्नलिस्ट का काम ही है जनता के बीच जाना, उनकी आवाज उठाना। तो आप ये मत कहिए कि आप जनता से पूछिए, आपको लगातार हमारे रिपोर्ट्स जनता की आवाज सुना रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं कि आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे स्थिति ये है कि किसानों को जो कर्जा मिल रहा है वो 18% के रेट पे मिल रहा है, किसानों के लिए, किसानों और गाड़ियों के लिए कर्जा 10% पे। तमाम योजनाएं ऐसी आई हैं जो हर खेत सर मैं बता रही हूँ बीजेपी के मित्र महोदय, सुनिए सर, अभी एक खबर निकली थी 27,000 या 57,000 करोड़ रुपए के जो है कार जो है बन के उनके गोडाउन में पड़े हैं। कार की बिक्री इतनी घट गई कि टाटा मारुति जैसे ये इन कंपनियों को फोर्स होना पड़ा, मजबूरी में शटडाउन पे जाना पड़ा, उनकी बिक्री नहीं हो रही है जी। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की मैं बात, प्रोडक्शन मान लो आपने बढ़ा भी दिया तो शटडाउन क्यों हो रहा है, बिक्री क्यों नहीं हो रही है सर? ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल माइक्रो प्रिंसिपल पे आप बात करिए ना, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल माइक्रो प्रिंसिपल पे आप बात करिए ना। पब्लिक के पास पैसा कहाँ है, बिजनेस साइकिल जो होती है गाड़ियां सस्ते में राम बाबू जी बोलिए, लोन घटाया जा रहा है, बिजनेस साइकिल आपने क्रश कर दी है। ठीक है मिश्रा जी, राम बाबू जी बोलिए। मोदी सरकार गांव के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, जो लोग पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार काम कर रही है। प्रथम दृष्टया उन लोगों को चूंकि आप ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों का चूंकि आप आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, मैं एक और आंकड़ा आपको दे दूं, चैलेंज करेंगे हम, आंकड़े देंगे, आंकड़ा मैं आपको देती हूं।